हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते अब बढ़ करके अब की बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है, इफ वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो प्रूफ करना है उसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें इस जो ये फंक्शन है इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके बाद में देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या करना है हमें, कैसे प्रूफ हो गए। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट डाल देंगे। तब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों साइड में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो वाई का तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये लो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर हम डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग खुल जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। यहाँ पे देखो ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, साइन एक्स के ऊपर डी बाई डी एक्स लग जाएगा, प्लस में ये अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ से बी आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है आपका कॉन्स्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे बी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स आपका ये आ गया है। अब इसका वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है क्योंकि ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपकी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए तो बाहर, साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, प्लस बी बाहर कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो हम इस जो साइन एक्स है का माइनस है मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। तो हमें निकालना क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, फिर से हम अप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स पे, यानी कि बोथ साइड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम ही डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, वही जो हमने यहाँ पे किया था अलग अलग कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग होगा तो क्या जाएगा, इम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे ए आपका बाहर आ गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, और नेक्स्ट में माइनस बी आपका बाहर आ गया है और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, वो रख दिया हमने, माइनस बी इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। देखिए स्टूडेंट इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो हम माइनस को बाहर निकाल देंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और अंदर क्या बचेगा आपका ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अब यहाँ पे आ जाइए कि ये प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, अगर यहाँ पे y आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो y की वैल्यू देखो, जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, y की है, तो क्या हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। अब ये माइनस वाई इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका इम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, जो कि आपको प्रूफ करना था, यानी कि ये क्वेश्चन प्रूफ आपका हो गया है। यानी कि क्वेश्चन ये था, इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना था, ये हो गया है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सीधा-सीधा और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ सकता है तो यहां पे देखो बहुत ही अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को तो y = 2 sec x + 10 x आपको गिवन है देन प्रूफ करना है आपको d2y / dx² cos x / 1 - sin x का होल स्क्वायर ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे y = 2 sec x + 10 x अब हमें करना क्या है ये वैल्यू निकालनी है तो डबल डेरिवेटिव हमें करना होगा तो सबसे पहले टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा डायरेक्ट dy/dx और यहां पे भी क्या लागू हो जाएगा dy/dx ऑफ sec x + 10 x अब इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन है तो अलग-अलग कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये dy/dx ऑफ sec x और यहां पे dy/dx ऑफ 10 x स्टूडेंट दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं sec x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका sec x / 10x जो आपने स्टार्टिंग में सीख लिए थे प्लस यहां पे 10 x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा आपका ये बन गया है किसकी वैल्यू निकल के आ गई है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की dy/dx यहां पे वैल्यू निकल गई है अब हमें निकालना क्या है d2y/dx² तो अगेन taking derivative with respect to x तो दोबारा से देंगे तो क्या बन जाएगा यहां पे देखो d/dx of dy/dx और यहां पे d/dx of sec x into 10x plus sec square x तो यहां पे देखो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो इनको अलग-अलग कर लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो यहां पे ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में d2y/dx² और यहां पे d/dx of sec x into 10x और यहां पे प्लस में d/dx of sec square x बन गया है अब इसका डेरिवेटिव क्या है u into v टाइप का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये sec x का होल स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे चलो यहां पे देखते हैं अभी हम इसको तो ये d2y implies d2y/dx² चल रहा है आपका और ये देखो फर्स्ट फंक्शन तो हम sec x को बाहर निकाल लेंगे फर्स्ट को बाहर sec x into 10x का डेरिवेटिव अब हम यहां पे डायरेक्ट कर देते हैं काफी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x होता है हमने कर दिया है फिर से अब यहां पे प्लस अब हम 10x को बाहर निकाल देंगे 10x अब किसका डेरिवेटिव करेंगे sec x का तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका sec x into 10x यानी कि ये काम तो खत्म इसका डेरिवेटिव तो हमने कर दिया है और ये रहा इसका डेरिवेटिव अब हम किसका करेंगे sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव यानी कि sec x को x मान ले तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x तो x के लिए sec x वहां पर रखेंगे क्या हो जाएगा 2 sec x और sec x का क्या होता है sec x 10x तो यहां पे प्लस 2 sec x और sec x का sec x / 10x ये हो गया है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव अब डबल डेरिवेटिव तो हमारा निकल गया है लेकिन हमें प्रूफ ये नहीं करना था केवल डबल डेरिवेटिव ही नहीं निकालना था यहां पे हमें प्रूफ ये करना है यहां पे कॉस और साइन के टर्म में तो इसको हम किसके टर्म में चेंज करेंगे कंप्लीट को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तब जाके देखेंगे तो यहां पे हमें पता है sec x क्या होता है 1 cos x तो sec x की जगह तो क्या लिख देंगे 1 cos x और 10x की जगह क्या कर देंगे sin x cos x तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा देखो 1 cos x 1 cos x cos स्क्वायर x तो ये कि 1 cos x cos स्क्वायर x प्लस में यहां पे क्या जाएगा एक sin है और एक sin ये रहा तो sin स्क्वायर x आ जाएगा और नीचे देखो एक cos x यहां से एक cos x यहां से और एक cos x यहां से तो क्या जाएगा cos क्यूब x और यहां पे देखो यहां पे sin x और नीचे cos क्यूब x प्लस का 2
साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स, ये बन के आगे आपके पास। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो देखो तीनों सेम ही हैं, तो डायरेक्टली एलसीएम इसके आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो क्या निकल के आएगा आपका कोस क्यूब एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स। अब देखो हमें ध्यान इस पे रखना होगा स्टूडेंट्स, आपका नजर इस पे होनी चाहिए, फोकस इस पे होना चाहिए कि ये निकालना है आपके माइंड में, ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पहुंचना है। तो ये कैसे करें, तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख पा रहा है वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स या टू साइन एक्स। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है ये ए प्लस बी की होली स्क्वायर टाइप का, अगर ध्यान से देखो हुए तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ये है वन प्लस साइन एक्स का होली स्क्वायर। अगर इसको ओपन करोगे तो यही निकल के आएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स, और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं कोस क्यूब एक्स है, लेकिन लेके क्या आना है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेके आना है, सॉरी वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि ये नीचे लेके आना था हमें, इस वजह से ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर को तो सेम ही रहने दो, वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपोन में यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स सेम ही रहने दो कोस एक्स। अब आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपोन वन प्लस साइन एक्स इंटू में वन माइनस साइन एक्स, और इंटू में क्या चल रहा है आपका कोस एक्स। तो यहाँ पे देखो वन प्लस साइन एक्स की एक पावर इससे कैंसिल हो गई है, नीचे ये बच गया है आपका। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेके तो हमें क्या आना है ये लेके आना है, लेकिन ये कैसे बनेगा आपका, अगर इसको वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो देखिए आप। तो यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाएगा नीचे कोस एक्स है वो एक कोस से कोस कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इस दोनों को देखो ऊपर और नीचे वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बचा हुआ क्या है वन प्लस साइन एक्स अपोन वन माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब यहाँ पे इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वन माइनस साइन एक्स से, वन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बन गया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया है आपका। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इस पार्ट को हटा रहा हूँ जो हमने लिखा था, ये बन गया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, ये क्या नीचे क्या रह गया आपका देखो सेम है, तो वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे देखो एक कोस से एक कोस आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ से निकल करके आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पर क्या बच गया कोस एक्स, और नीचे वन माइनस साइन एक्स जो कि हमें प्रूफ करना था, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेन एग्जाम के दृष्टि से, तो ध्यान रखना अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करना।